नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। एक अफसर की काली करतूत ने पूरे दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, जहां दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर करके एक अफसर ने मदद के बहाने अपने दोस्त की 16 साल की बच्ची को कई महीनों तक अपनी हवस का शिकार बनाए रखा, जिसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना 2020 की है, जब पीड़िता के पिता के निधन के बाद उनकी नाबालिग बेटी को वो अधिकारी अपने साथ अपने घर ले गया था कि बच्ची की देखरेख अब वही करेगा। बच्ची अपने पिता के दोस्त की गार्डियनशिप में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक रही थी और इस बीच आरोपी ने बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपी की पत्नी पर गर्भ को समाप्त करने के लिए भी लड़की को दवा देने का आरोप है। ये मामला 3 साल पुराना है, लेकिन ये पिछले हफ्ते ही सामने आया है, जब लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उसे एंजाइटी के दौरे पड़ने लग गए थे। हालांकि काउंसलिंग के दौरान लड़की ने डॉक्टरों से बताया कि वो लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रही है और उसके साथ लगातार रेप हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है और कानून पूरी मुस्तैदी से इस मामले में काम करेगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेप के आरोपी महिला एवं बाल विकास के अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।